साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। लोग उन्हें प्यार से और सम्मान देने के लिए थालापति कहते हैं। हम बात कर रहे हैं थालापति विजय की। थालापति विजय ने इस बार कुछ ऐसा किया है जो हर किसी की कल्पना से परे है। हालांकि इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। दरअसल थालापति विजय ने अपने ही माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। न सिर्फ माँ बाप बल्कि उनके अलावा भी 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। साफ है थालापति विजय और उनके परिवार के बीच का मतभेद सबके सामने आ चुका है। हालांकि ये विवाद शुरू कैसे हुआ, आखिर क्यों एक्टर ने अपने ही माता पिता को कोर्ट कचहरी तक घसीटने का मन बना लिया, ये आपको बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो विजय के पिता और जाने माने निर्देशक एसके चंद्रशेखर ने हाल ही में एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कल इयक्कम है। इस पार्टी में विजय के पिता बतौर जनरल सेक्रेटरी काम कर रही हैं, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर इसकी ट्रेजरर है। विजय को इसी बात से नाराजगी है। उनका कहना है कि मेरे नाम पर जो पार्टी की शुरुआत की गई है उसमें मेरी सहमति नहीं दी गई है। दूसरी तरफ विजय के पिता का कहना है कि विजय को भी राजनीति में आना चाहिए, इसलिए उनके नाम से पार्टी रजिस्टर कराई गई है। हालांकि विजय ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्टेटमेंट जारी कर दिया है। इसके अलावा माता पिता सहित 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर को की जाएगी। इस शिकायत में विजय ने कहा है कि इस पार्टी द्वारा उनके नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ऐसा करने से उनको रोका जाए। आपको बता दें थालापति विजय भले ही अपना तर्क दे रही हो, लेकिन लोग उन्हें ऐसा करने पर ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस एक्टर ने उन्हीं माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करा दिया जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।